हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं टाउजन, फिर से एक डिज़ाइन। चले भी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से चौकोर टुकड़ा काट लेंगे। 3 इंच इसकी लंबाई रहेगी, 3 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। इस तरीके से हम बहुत सारे काट लेंगे और फिर हम ट्राइंगल में बना के सुई धागे की मदद से बीचों बीच में हम इसको सिलाई करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। फिर हम एक मोती इसमें अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर दूसरे को भी ट्राइंगल में लेंगे और उसको भी हम बीचों बीच में बिल्कुल इस तरीके से इसको सुई को निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी हमें पक्का करके सुई को दोबारा से निकाल लेना है ताकि हमारा जो ये मोती है ये जल्दी से धागा नहीं टूटे। ठीक इस तरीके से ही हमें दूसरे को भी ऐसे ही स्टेप करना है। ऐसे ही हमें ट्रायंगल फिर से बनाना और इस तरीके से बीचों बीच में हमें सिलाई लगाकर धागे को पक्का कर लेना। फिर एक मोती लेना, उसको इस तरीके से फ्रोना और फिर हमें दूसरे को भी ट्रायंगल शेप देकर उसको भी बीचों बीच में इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए फिर हमें इसको दोबारा से पक्का कर लेंगे और इसको एक बार और निकाल लेंगे। कट कर लेंगे, ऐसे ही हमें बहुत सारे बना लेने हैं। ये देखिए मैंने इतने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से प्लेट डाल लेंगे जिसकी चौड़ाई 4 इंच होगी और लंबाई इसकी 9 इंच होगी। अब हम इस पर इस तरीके से इनको रख कर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आसान स्टेप है। इस तरीके से वो करेंगे इसको ताकि हमारी जो ये चुंगटे हैं ये अच्छे से आए और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम दूसरा उठाएंगे, दूसरे को भी स्टेप से लगा लेंगे, उस पर भी हम सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है। ऐसे ही करके हमें एक एक करके ये लगा लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं इस तरह की ट्राउजर डिजाइन की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। ऐसे ही हम एक तरफ का कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मेरा एक तरफ का कंप्लीट हो चुका है। सेम ऐसे ही प्रोसेस हमें दूसरी तरफ भी करना है। इस तरीके से ही हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही बना के सिलाई लगा लेनी है। बनने के बाद में ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही हमें एक एक करके सबको इस तरीके से ही सिलाई लगा लेनी है। आप बिगनर हो तो भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये लाइन भी देखिए ये मेरा बन चुका है। अब हम ये बुकरम लेंगे, 4 इंच इसकी चौड़ाई होगी और इसकी जो लंबाई होगी वो 9 इंच होगी। इस तरीके से हम इसको सीधा मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ से 1.5 इंच पर हम एक मार्क और कर लेंगे। फिर हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे हम इसको।
ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। देखिए कपड़े पर भी पेस्ट कर लिया। अब हम इसको 9 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से लगा लेंगे। आप 8 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। ये हमने निशान लगा लिया है, मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। जितना ही फालतू होगा उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके के कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम इस साइड से भी इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ही हमें सबको फोल्ड कर लेना है, तीनों साइड को। देखिए मेरा हो चुका है। अब हम अपना कपड़ा लेंगे, बीच बीच ट्राउज़र पर रखकर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे आधा इंच छोड़कर। सिर्फ हमें आधा आधा इंच ही छोड़ना है। अब हम इस पर कट लगा लेंगे। यहाँ हम ठीक से कट लगाएंगे ताकि हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये सीधा हो। अब हम इसको सीधा करके प्रेस कर लेंगे। ये हमारी प्रेस भी हो चुकी है। अब हमने जो डिज़ाइन बनाया था उसको रखेंगे इसके नीचे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान स्टेप है ये। इस तरीके से इसको सीधा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे सेम हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब हम 2.5 इंच कपड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। कट कर लेंगे और इसको नीचे को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। देखिए आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।